हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फार्मा सेक्टर के एक बड़े स्टॉक की। रेडी रहना भाई, नया साल स्टार्ट है और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स करेक्शन आई थी। जैसे पिछले लास्ट मंथ हमने सन फार्मा को देखा था और भी बाकी स्टॉक्स, सिप्ला जैसे स्टॉक्स बहुत जबरदस्त तेजी आई थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स स्लोली अब जो है डायरेक्शन दे रहे हैं। तो अगले महीने के लिए तैयार हो रहा है हमारा फार्मा का ये बड़ा स्टॉक, कभी भी उड़ सकता है, तो तैयारी पूरी। लेकिन तैयारी से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात सावधानी। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टॉक मार्केट में क्या होती है? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये लाइन आपने अक्सर देखा होगा लिखा हुआ, जहां पे अगर आप कभी हिल साइड में ड्राइविंग आपने की होगी या हिल साइड में गए होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा होता है भाई। वही स्टॉक मार्केट में हर चीज आपको सावधानी के साथ करना है, और यहाँ पे आप खुद ही खिलाड़ी हो और आपके अपने रूल्स हैं। मान लीजिए, देखिए ये आपको मानना ही पड़ेगा, आपके अपने रूल्स है, अपने रूल्स को नहीं तोड़ना, अपने रूल्स के हिसाब से चलना है, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी देना है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्टॉक है टोरेंट फार्मा लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। अब आपको यार ये स्टॉक कहां से आया है रडार में? ये स्टॉक हमने लास्ट वीक भी आपको बताया था, लेकिन अभी भी मूव जो है वो स्टार्ट ही हो रहा है। फार्मा सेक्टर, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला, बायोकॉन, अरबिंदो फार्मा की भी हमने बात करी थी, ये तो हमको ऑलरेडी एक बढ़िया मूव दे चुका है, कड़ीला हेल्थ केयर और टोरेंट फार्मा। जब भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात की जाती है तो ये टॉप के स्टॉक, जिसमें लीडर कौन है? सन फार्मा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की। टोरेंट फार्मा 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2800 के आसपास का प्राइस, शेयर में जबरदस्त, देखिए बहुत कम डेट है कंपनी के ऊपर, मैं ज्यादा डेट इसको नहीं कहूंगा, लेकिन अगर इसकी पिछले कुछ टाइम में फार्मा सेक्टर की जो हालत खराब थी, इस स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छी सिचुएशन लगी। इवन आप देखिए ये जो रिवेन्यू है, वो रिवेन्यू किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा है। बीच में जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 3-4 सालों में फार्मा सेक्टर जो है वो शांत था, लेकिन अगर इस स्टॉक को आप देखते हो तो 2016 के बाद ये 2 साल थोड़ा सा देखिए रिवेन्यू में कमी जरूर आई, 2019 से इसके रिवेन्यू ने पिकअप यहाँ पे दिखाया। उसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को आप देख सकते हो, देखिए 2016-17 में डिप था और ऑलरेडी अब पिकअप आ चुका है। लेकिन जरा इस स्टॉक के पिछले 10 साल के रिटर्न को देखिए, 25% के CAGR से इसने आपको रिटर्न दिया। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक सही है क्या? अब जरा मैं तसल्ली से आपको इस स्टॉक में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी दिखाता हूं। देखिए 2019 सितंबर यानी कि मार्च की गिरावट, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक 7.7% से बढ़ के 12% तक इसमें जा चुके हैं। देखिए लगातार खरीदारी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की चल रही है। बट ये स्टॉक रडार में क्यों आया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में जरूर होना चाहिए। देखिए स्टॉक रडार में आता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर तो और भी अच्छी बात है, और फंडामेंटली वीक शेयर अगर होता है तो आप उसमें पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से माल कमा सकते हो, ये देखिए, और स्विंग ट्रेड के हिसाब से माल कमा सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप करना क्या चाहते हो। जिस दिन आप ये डिसाइड करने लग गए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले कि मेरा गोल क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट गोल हाउ आई विल मैनेज माय रिस्क, समझ रहे इस बात को? ये बात कहने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाउ आई विल मैनेज माय रिस्क, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी भी है। ये देखिए 2016 से लेके जो बनवास इस स्टॉक ने झेला था, इसी ने नहीं पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री ने झेला था। ये मंथली चार्ट है, 1200 के लेवल का लो था। मैं आपको ये चार्ट मंथली वाला पता है क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है करेक्शन को समझना जरूरी है। करेक्शन को जिस दिन आप समझने लग गए, मतलब आप बहुत ही सही लाइन पे गए हो। इस करेक्शन को देखिए, जंप, पुल बैक, जंप और फिर से करेक्शन, और उन्हीं लेवल तक आसपास ये आया और फिर स्टार्ट होती है अगली जर्नी। इवन मार्च की लो जब करेक्शन आई थी तब भी स्टॉक ने इसी का बेस बनाया, तेजी, मंथली पे करेक्शन आया, करेक्शन रेजोल्यूशन और फिर से भागने को तैयार है। तो मैं अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे लेके जा रहा हूं, क्यों वो भी समझिए इस पार्ट को। अभी देखिए जब इस स्टॉक को आप मार्च की गिरावट से देखोगे ना, तो आपको लगेगा
आप मार्च की गिरावट से, मैं आपको एक बात कहूंगा, बिल्कुल ध्यान से, वो गिरावट आपको बहुत कुछ सिखा के गई है, इस चीज को याद रखना। छोटी वो बहुत बड़ी गिरावट थी और उससे बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी लर्निंग भी मिली होगी, क्योंकि जब गिरावट आई थी उससे पहले ही इंडिकेशन हमने आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट किया, भैया ये गिरावट जो है बड़ी आने वाली है, सिचुएशन ऐसी दिख रही है तो प्रॉफिट बुक कर लो। बट उस गिरावट से आपने जो कुछ सीखा, लेकिन फिलहाल देखिए क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया है। अभी लास्ट वीक भी हमने इसका वीडियो क्रिएट किया था, फिर से हम रिपीट करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस रखना है। ये स्टॉक आपने ये बॉटम साइड की इस करेक्शन को देखा, तो इसीलिए ये कारण है इस स्टॉक के रडार में आने का, यानी कि ये छोटे फ्रेम नहीं बल्कि बड़े फ्रेम की थीसिस है, यानी कि पोजिशनल लॉन्ग टर्म वाले लोगों की ये थीसिस है, इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया है। कारण आपने समझ लिया होगा, कारण मैं अभी जो ये वीक बीत गया, फ्राइडे चला गया, उससे पहले वीक में आपने 21 दिसंबर को बड़ी करेक्शन देखी थी, उसमें यहां प्राइस पे जंप देखी, डाउनसाइड देखी, वापसी रिकवरी ऑसम, बट भाई एंट्री वाले लोग जो वीकली की करेक्शन रेजोल्यूशन का इंतजार कर रहे थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। स्टॉप लॉस, अब आपको क्या स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, देखिए वीकली की थीसिस है तो स्टॉप लॉस डीप जाएगा, इसका मतलब क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, इस बात को समझे, जो मतलब जहां पे रिस्क आपको ज्यादा लगे, स्टॉप लॉस डीप लगे, रिड्यूस योर क्वांटिटी, क्योंकि आपके रूल्स अपने नियम यहां पे होंगे, तभी आप गेम को अच्छे से समझ पाओगे। देखिए अब भाई जितना रिस्क आपका कम है उतनी अच्छी बात है। अब वीकली की थीसिस बहुत लंबे टाइम की थीसिस होती है, बहुत लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए आपका मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं 2780 या फिर 2800, इस रेंज में एंट्री की मेरी कोशिश है क्योंकि मैं वीकली का सोच रहा हूं, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस 2400 के पास होने वाला है। अब आपको हो गया 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हाँ अगर मैं इंप्रोवाइज इसको करना चाहता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस इस रेंज में जाएगा, कितना 2600 की रेंज में, और इंप्रोवाइज करके, इस पार्ट को समझिए, इंप्रोवाइज मतलब डीप से आप थोड़ा सा और यहाँ पे इंप्रोवाइज स्टॉप लॉस को करना चाहते हो, तो ये चीजें समझनी जरूरी हैं। और फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है वो काफी फेवरेबल सिचुएशन बन रही है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मैनेज रिस्क, इज टू रिड्यूस रिस्क। एंड आपने कभी अगर रिस्क मैनेजमेंट, मैं कहूंगा आपसे पढ़िए चीजों को, मिटिगेशन एंड कंटिंजेंसी आर टू टर्म्स यूज्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको क्या ये कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी लेके आ रहे हो, देखिए जब भी रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है ना वो यही होता है, एक चीज स्टॉप लॉस के थ्रू आप पहले ही रिस्क को यहाँ पे क्या कहते हैं मैनेज कर रहे हो, दूसरी चीज अगर अनफोर्सीन चीजें आ रही हैं एकदम, जब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली उसके बाद चीज आ रही है तो उस टाइम पे कैसी प्लानिंग, तो यही दो चीजें है, मिटिगेशन एंड कंटिंजेंसी, एक चीज है पहले से आप प्लान करके चल रहे हो, एक रन टाइम पे कैसी चीजें चला रहे हो, तो ये दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिलहाल टोरेंट फार्मा वीकली थीसिस रेडी हो रही है, और अभी हमने आज दिन में ही अपने लर्निंग मेंबर्स के लिए इसका वीडियो में नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पे चार्ट शेयर किया था और ये वीडियो सबके लिए, देखिए 200 का बेस बना जो मैं आपको 2400 के आसपास का स्टॉप लॉस कर रहा था, डिटेल देखिए अब डेली पे कैसी थीसिस बन रही है, धीरे धीरे करके चीजें आपकी जो लोज है वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव वाली बात है। और ये क्या ये ब्रेकआउट होगा, अबे ब्रेकआउट के तो पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिस्क मैनेज करके चलना है, समझ रहे हो इस बात को, इस बात में बहुत कुछ रखा हुआ है। देखिए मार्केट में कभी भी एक स्टॉक आपको करोड़पति नहीं बना सकता, आपको जब भी चीजें देखनी है तो आपकी कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, कंसिस्टेंट रिटर्न्स, जो कि आपके रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं आपकी जो मैं कहूंगा यहाँ पे जो सक्सेस रेट है, जैसे आपकी 70% 80% की सक्सेस रेट है, वो आपको यहाँ पे करोड़पति बना सकती है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड ने आपको पूरा का पूरा मालामाल कर दिया, वही इसीलिए आपको अपने एनालिसिस के ऊपर काम करना है और
लर्निंग के लिए तो पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्ट है। हम बैठे हैं यहाँ पे, देखिए जितना आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हो। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। मौका बन रहा है इस स्टॉक में, स्टॉप लॉस के साथ साथ प्रॉपर तरीके से बड़ी टाइम फ्रेम की थीसिस है। और वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।